राजधानी भोपाल के करुंद के कई गली गली मोहल्लों में सजे माता की दरबार। भोपाल में धूमधाम से मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार। वहीं करुंद की कई कॉलोनियों में किया गया महाआरती का आयोजन। छोटी छोटी कन्या घर से थाली सजाकर लाई और माता रानी की आरती की और माता से प्रार्थना की कि जल्द हो कोरोना महामारी का खात्मा। नव युवक मां कालकसु समिति लगभग 8 वर्षों से और कई समिति के लोग वर्षों से बिठाते आ रहे हैं माता की मूर्त। वहीं करुंद में कई जगह खीर और पूरी प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। करुंद के जनता नगर, शिव नगर, आराधना नगर, विश्वकर्मा नगर, रुसल्ली रतन कॉलोनी, पलासी सहित भोपाल में सैकड़ों जगह बैठाई जाती है माता की मूर्तियां। वही करुंद शिवनगर में भक्तों और जनता नगर में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिला। वही हमारे राजधानी समाचार के रिपोर्टर संदीप शाक्या को समितियों के सदस्यों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी। इसी मौके पर समितियों के सदस्य शानु योगी, नीतीश पवार, लकी नामदेव, अनिल ठाकुर, वीरेंद्र पवार, विकास कुशवाहा, बालकिशन विक्रम, छोटू नामदेव, बिट्टू मीना, भग्गू कुशवाहा आदि लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। समिति सदस्यों ने कहा, हमारा विरोध रंग लाया, हिंदू धर्म की आस्था की जीत हुई, सरकार ने मूर्ति पर लगाए प्रतिबंध हटाए, वहीं सरकार को धन्यवाद भी दिया। राजधानी समाचार के लिए भोपाल से संदीप शाक्य की रिपोर्ट। श्री नवयुवक एकता मकाल को तो समिति पिछले 8 वर्षों से शिवनगर करोच भोपाल में झांकी बिठाते हुए आ रहे हैं हम लोग समिति के सभी लोग। और अभी कुछ समय पहले लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा मूर्तियों को स्थगित करने के लिए और मूर्तियों की ऊंचाई पंडाल कम करने के लिए सरकार ने आवेदन किया था, लेकिन समिति की ओर से या विश्व हिंदू परिषद वजंग दल की ओर से सरकार को यह अपील की गई कि झांकियों को बिठाने की परमिशन दी जाए, मूर्तियों की हाइट को बढ़ाने की परमिशन दी जाए। और सरकार ने उस अनुमति को हमारी माना, हम उससे खुश हुए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम पूरी सरकार की गाइडलाइन जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, निश्चित दूरी बनाए रखना और सैनिटाइज वगैरह झांकी पर उपलब्ध कराना, ये सारी व्यवस्थाओं को हम सुविधायुक्त पालन कर रहे हैं। और सभी लोगों से ये माइक पे बराबर अपील भी कर रहे हैं, लोगों से बराबर बोल भी रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, अपने हाथों को स्वच्छ एवं साफ रखना है। लगभग कितने वर्षों से ये झांकी लगाई जा रही है आपके द्वारा? हम ये पिछले 8 वर्षों से झांकी लगा रहे हैं। पिछले 8 वर्ष? और हाँ, दिन हर साल हमारी झांकी मतलब पिछले साल के मुकाबले बेहतर ही होता जाता है हर साल। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत बड़ी झांकी रहती है हमारी हर साल। पंडित जी, आपका कुछ कहना है? काली जी की झांकी लगभग 8-10 साल से करो एरिया में लगाई जा रही है। जी, कुछ नहीं, भगवान की सब कृपा है, इन बालकों का सबका सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग मिल जाता है, आरती पूजा अच्छी चल रही है, भगवान कृपा ऐसी बरसती रहे, सब माता रानी सबका कल्याण करें। श्री भानु भाई खटीक हिंदू भवानी धर्म संगठन के अध्यक्ष का उनका धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने अथक प्रयास द्वारा आज माता रानी की प्रतिमा और उनकी हाइट को लेकर कोई विवाद नहीं है और कानून किसी भी प्रकार से हमें परेशान नहीं कर रहा है। भाई साहब, आपका ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। जय भवानी, जय हिंदू। भैरव उत्सव समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाआरती का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ पर शिव जनता नगर के पूरे प्रांगण में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। बड़ी धूमधाम से माता के प्रांगण में माँ की आरती हुई और यहाँ पर सभी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। छोटी छोटी बच्चियों से यहाँ पर आरतियों, छोटी छोटी बच्चियों जो आरती लेकर के आई माता जी की, जो आरती करी, कैसा लगा कि इस कोरोना महामारी में भी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से उठ आगे बढ़ कर के अपनी भूमिकाएँ निभा रहे हैं, है ना? क्या कहना चाहेंगे? ये भारतवर्ष है, ये एक हिंदू सनातन धर्म से प्रचलित हमारा भारतवर्ष है। यहाँ पर शक्तियों को महान माना जाता है। जो बालिकाएं, जो माँ, छोटी छोटी बालिकाएं, जो शक्ति का स्वरूप है, ये एक माता छोटी हुई है जो शक्ति का स्वरूप, जो आपके तो हमारे प्रांगण में है, जो स्वयं माँ है, इनको कोरोना वायरस नहीं छू सकता, ना कोरोना वायरस भारत में आ सकता, क्योंकि माँ, इतनी बड़ी माँ हमारे प्रांगण में है जो कि शक्ति का एक स्वरूप मानी जाती है। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे राक्षस, अच्छे अच्छे शक्तिशाली जो दानव रहे वो खत्म हो गए। ये तो भारत का एक छोटा सा कोरोना था, जो वो तो खत्म होना ही है। Right now and press the bell icon. Never miss an update.